हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मेनिया बितंकुर में। कल काफी सारे स्टूडेंट्स का एसपीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के दौरान और एग्जाम के पहले क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। नंबर वन, शाम हो चुकी है, पढ़ाई से अब बिल्कुल फ्री हो जाइए, क्योंकि एग्जाम के पहले प्रॉपर रेस्ट और पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले देर रात तक पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में एंट्री के पहले पहले तक पढ़ते हैं। देखो, ये प्री का एग्जाम नहीं है कि एक घंटे बैठना है, ये मेंस का एग्जाम है। 2 घंटे 40 मिनट आपको बैठना है। मेंस एग्जाम में जीए का सेक्शन भी रहेगा, जहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी होंगे जहां 50-50 लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर आपको लगेगा कि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपको पजल्स भी बनानी है, क्वांट में आपको डीआई भी बनानी है। उसके लिए फ्रेश माइंड होना बहुत जरूरी है। मतलब कि एग्जाम के दौरान दिमाग में 10 चीजें नहीं चलनी चाहिए। इसलिए एग्जाम के पहले प्रॉपर रेस्ट और पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर टू, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर, हमारे स्टेट की क्या कट ऑफ जा सकती है और एसपीआई क्लर्क मेंस में क्या सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए। देखो दोस्तों, एग्जाम के पहले ना तो कोई सेफ अटेम्प्ट होते हैं, ना ही कोई कट ऑफ होती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं कि एग्जाम के पहले कोई भी टारगेट सेट मत करके जाना कि हमको इतने अटेम्प्ट बनाकर आने हैं। जो भी लेवल आपकी शिफ्ट में आएगा, उस लेवल के अनुसार आपको अटेम्प्ट बनाकर आने हैं। नंबर तीसरा, 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके मेंस एग्जाम में। नंबर वन, क्वेश्चन का सिलेक्शन, खासकर क्वांट और रीजनिंग में। नंबर टू, एक्यूरेसी, खासकर जीए और इंग्लिश में। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेसी रखना, क्योंकि मेंस एग्जाम में पूरा पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ बनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ क्वेश्चंस जीए या इंग्लिश में गलत हो जाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करना है कि बेहतर एक्यूरेसी रहे आपकी मेंस एग्जाम में। और क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि लास्ट टाइम में एग्जाम में कोई भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। जिस स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी की है, जिस स्ट्रेटजी के साथ आपने प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाए हैं, सेम स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। बाकी बिंदास होकर एग्जाम दीजिए, और कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिनका भी कल एसपीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।